तो योगा करके, ब्रेकफास्ट करके और बाकी सारी चीज़ें करके, आज सैटरडे था, छुट्टी थी, तो फ़ोन पे काफ़ी बात हुई। लगभग 2 घंटे के आसपास फ़ोन पे बातें हुई, कुछ घर वालों से बात हुई और एक अपने पुराने स्टूडेंट से बात हुई, और बहुत अच्छा लगा बात करके। 12th में है वो बच्चा, भानु नाम है उसका। और उस बच्चे ने मुझे अभिमन्यु को लेकर के बड़ी अच्छी तरह से चीज़ें समझाई कि आपने सर अभिमन्यु को वहीं पे रखने का जो डिसीज़न लिया है, किस तरह के चैलेंजेस अभिमन्यु को फेस करने पड़ेंगे, कैसे आपको ध्यान रखना है उन बातों का, और वो जिस एज में है किस तरह की प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ सकती है। और क्योंकि वो अभिमन्यु का दोस्त था, है ना, बचपन में वो लोग साथ थे, 6th 7th क्लास की बात है, तब वो लोग साथ थे, तो उसने अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया कि मैं जानता हूँ अभिमन्यु को और अभिमन्यु ऐसा ऐसा है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार ये बच्चा कितना, मतलब कि मुझे आज तक इस तरह से मेरे किसी कुलीग ने या फिर किसी बड़े मेच्योर इंसान ने भी नहीं समझाया होगा जैसे उस बच्चे ने मुझे समझाया कि अभिमन्यु इस तरह का है और ये इसके साथ प्रॉब्लम आएंगी और आपको इन चीज़ों से इस तरह से हैंडल करना है। आपको कोशिश करनी है कि ये आप हर बात आपसे शेयर करे, ये आपको खुद से नहीं बताएगा, किस तरह से आपको इससे बात लेनी पड़ेंगी और इसके फ्यूचर प्लान को लेकर के। देखो अगर आप बोर्ड को चेंज कर रहे हो इंडिया से, अब आप अमेरिका में आ गए, तो फ्यूचर में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं उनको अभी से कंसीडर करके उनका सॉल्यूशन अभी से ढूंढना है। तो बहुत अच्छा समझाया, और बस उसके फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई और उसको फ़ोन डिस्कनेक्ट करना पड़ा, वरना मेरा मन कर रहा था उससे और बात करूं मैं। तो बड़ा अच्छा लगा कि कैसे कई बार देखो छोटे बच्चे भी आपको बहुत कुछ समझा देते हैं और बहुत कुछ सिखा देते हैं। तो अब फाइनली मैं निकला हूँ, अभी मेरा प्लान है आज का कि मैं, जैसे मैंने आपसे कहा था कि बुक पढ़ूँगा, तो मैं एक बुक पढ़ूँगा आज। और ये जो बुक है ये बुक बेस्ड है एक ऐसे टॉपिक पे जो काफ़ी टाइम से मुझे परेशान कर रहा था। चलो तुम्हें एक बार बड़े अच्छे से फूल का पेड़ दिखाता हूँ, कितना प्यारा लग रहा है। मेरे घर से लगभग 100-150 मीटर दूर एक कैनाल है, और मैं नॉर्मली क्या करता हूँ उसके साथ चलते चलते पढ़ता रहता हूँ। ऐसा मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि घर में बैठ के मैं पढ़ता हूँ ना, तो मुझे, मैं 10 लाइन पढ़ूँगा उसी में मुझे नींद आ जाएगी। तो मुझे मुझे बहुत समय के बाद ये बात पता चली कि मैं बैठ के पढ़ ही नहीं पाता हूँ, बैठ के पढ़ने लगूँगा मुझे नींद आ जाएगी, तो मैं चल के ही पढ़ता हूँ नॉर्मली। और आज मेरा प्लान है कि मैं इस नदी के साथ साथ चलता हुआ वो बुक पढ़ूँगा। हाँ, तो मैं बता रहा था कि वो बुक किस पे बेस्ड है। एक सवाल काफ़ी लंबे टाइम से मेरे को परेशान कर रहा था, वो सवाल ये था कि किसी इंसान की लाइफ में, या फिर मैं कहूँ कि बच्चों की ज़िंदगी में माँ बाप किस तरह से इम्पैक्ट डाल सकते हैं। क्या वाकई में अगर कोई बच्चा अपने जीवन में अच्छा नहीं कर पाता है तो इसके लिए उसके माँ बाप रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या फिर ये सब हमारे हाथ से बाहर की बातें होती हैं। हैं, ये सवाल मुझे काफ़ी परेशान करता रहता था। देखिए बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो ये प्रूव करते हैं कि माँ बाप बच्चे की लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ऐसे भी उदाहरण मिल जाएंगे कि जिसमें माँ बाप का, मतलब कि बच्चे के लिए बहुत एडवर्स सिचुएशन थी बिकॉज ऑफ जो भी उसके माँ बाप का इग्नोरेंस रही या फिर माँ बाप की गलत आदतें रही, उनके कारण बच्चे के लिए बहुत ही वर्स्ट एटमॉस्फेयर था। और उसके बाद जब उस वर्स्ट एटमॉस्फेयर में से वो बच्चा निकला, तो वो बच्चा इतना चमत्कारी निकला, इतना कमाल का निकला कि उसने तो एक लीजेंड बन गया वो। तो जो इस तरह के उदाहरण होते हैं उनसे कई बार ये लगता है कि यार ऐसा तो नहीं है कि हमारे एफर्ट से कुछ नहीं हो रहा, और ये कुछ जेनेटिकली बच्चे के अंदर ही होता है कि वो क्या कैसा करेगा जीवन में,
किस तरह के माइंडसेट के साथ वो अपना जीवन जिएगा, ये क्वेश्चन मुझे बहुत परेशान करता है। तो इसी के जवाब को ढूंढने की मैं कोशिश कर रहा था और मैंने कुछ बुक्स देखी, और जो बुक मैं पढ़ूंगा अभी, उस बुक में ये बताया गया है कि माँ बाप का जितना बड़ा रोल हम लोग समझते हैं उतना बड़ा रोल होता नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी बिलीफ ये है, मेरा मानना ये नहीं है, बट फिर भी मैं ये जो मेरी ओपिनियन से डिफरेंट ओपिनियन है, मैं इसके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ कि किस बेस पे ये बात कही जा रही है ना। उसमें ये बताया गया है कि ये सब जो है ना जीन्स का खेल होता है, और एक बच्चा अपने मम्मी और अपने पापा के दोनों के करैक्टर्स को लेके पैदा हुआ है, लेकिन उन दोनों के करैक्टर्स का जो कॉम्बिनेशन है ना, यही है कि वो जो दो एलिमेंट हैं, उन दोनों एलिमेंट्स जैसे जैसे किसी दो एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से कंपाउंड बन जाता है, और वो कंपाउंड अपनी कुछ ऐसी नई प्रॉपर्टीज़ लेकर के आता है जो दोनों में से किसी एलिमेंट में नहीं होती हैं। तो ऐसा ही कुछ बच्चों के केस में, इंसानों के केस में भी होता है कि बहुत बार कि बच्चे में जिस तरह के करैक्टर हमें दिखाई देंगे वो ना तो माँ में थे ना बाप में थे, पर इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बना ना, वो इस तरह का बना कि जिसका वो प्रोडक्ट बच्चा है। तो ये कितना सच है, इसके पीछे क्या रिसर्च है ना, ये मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ और पढ़ूंगा इस बुक में, और कुछ अगर मिला आपसे शेयर करने लायक तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो मैं कंटिन्यू करता हूं अपनी बुक को। देखो आपको रिवर कैनाल है वो दिखाता हूं। तो ये है कैनाल जिसके साथ साथ मैं जाऊंगा, और यहां पे है मेन रोड, और ये जो ट्रैक दिख रहा है ना, ये चलने पैदल चलने वालों के लिए है, साइकिलिंग वालों के लिए है। तो मेरा प्लान है 1 घंटे तक मैं जाऊंगा एक डायरेक्शन में, और उसके बाद देखता हूँ कितने पेज पढ़ पाता हूँ, उसके बाद फिर वापस अपनी जर्नी स्टार्ट कर दूँगा। चलिए फिर मैं आपको बताऊँगा क्या मैंने बुक में पढ़ा। बाय। तो लगभग 5 या 6 किलोमीटर का वॉक, एंड उस वॉक के दौरान लगभग 45 पेजेस मैंने पढ़े, और दिखाता हूँ आपको कौन सी बुक थी वो। ये देखिए, ये बुक द नर्चर एजम्पशन, तो यही बुक थी जैसे कि ये जो सवाल कि बच्चे के पालन पोषण में माँ बाप का क्या वाकई में कोई रोल होता है, हमारे बच्चे जिस तरह से बिहेव करते हैं, जिस तरह की उनकी चॉइसेस होती हैं बड़े होने के बाद उनकी लाइफ में, तो उन चॉइसेस में क्या रोल होता है पेरेंट्स का, इसी के बारे में ये बुक थी। और इस बुक में इसने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया है कि देखिए, ये बहुत ज़्यादा जितना पेरेंट्स का रोल देखो होता तो है, पर जितना माना गया उतना नहीं होता, उसके कंपैरेटिवली बहुत कम रोल होता है। मतलब कि ये लगा लीजिए लगभग 20% के आसपास ये कह रहे हैं कि पेरेंट्स का रोल होता है, अदरवाइज जो 80% है वो जीन्स का रोल होता है। तो बाकी मैं अभी और पढ़ूंगा और देखूंगा कि ये किस तरह के एग्जांपल्स इसने दिए हैं। मेरा मानना यही है कि नहीं, बहुत रोल होता है पेरेंट्स का, ये जो जिस बट ये कुछ सपोर्टिंग डेटा दे रहा है ना, ये नंबर्स की फॉर्म में बात कर रहा है, और वो नंबर से कैसे क्रिएट कर रहा है ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा मैं। और अब घर आने के बाद मैंने सोचा घर पहुँचने से पहले ना कुछ सब्ज़ी ले लेता हूँ, तो मैं आ गया हूँ वॉलमार्ट में, घर के पास में मैंने आपको दिखाया ना, मेरे घर के पास में सिर्फ एक स्ट्रीट क्रॉस करके ही वॉलमार्ट है। तो आज ये लेके चलते हैं, और बहुत दिनों से मटर मशरूम बना रहा था मैं, आज मैंने सोचा है कि अब
चेंज कर लेता हूँ और आज लेके जाऊँगा बहुत सारी सब्जियाँ तो मुझे नहीं आती हैं, थोड़ी बहुत ही आती हैं, तो मैं सोच रहा हूँ आज मैं गोभी ले जाता हूँ और आलू गोभी बनाऊँगा। ये काउंटर खाली है, मैं इस पे आ गया। और कैसे लेते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अभी ये मैंने गोभी ली और उसको ऐसे स्कैन कर दिया, ठीक है, और वो देखिए वहाँ पे स्कैन करके ये बैग में डाल दिया। और मैंने जो डिटर्जेंट लिया था इसको भी स्कैन कर दिया। और अब कार से पेमेंट कर देंगे। मैसेज 832 519 330 कंफर्म। तो ये हमारी बिलिंग हो गई और अब हम निकल जाएंगे। तो मैं घर आ गया हूँ और घर आने के बाद लड़के ने मुझे वाटरमेलन खाने का एक बहुत अच्छा आइडिया बताया है। तो देखो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये एक स्ट्रॉ है और स्ट्रॉ को वाटरमेलन में ऐसे डाल दिया, ठीक है, ऐसे डाल दिया और ऐसे थोड़ा हिला लिया और फिर इसको अभी तो आई नहीं, अरे इस बार नहीं, दोबारा करते हैं। हाँ देखो ये वाटरमेलन इसमें आ गया और फिर खा लिया। दोबारा दिखाता हूँ, स्ट्रॉ को तरबूज में ऐसे डाल दिया, थोड़ा सा स्ट्रॉ को हिलाया और फिर ये इस तरह से पुल कर लिया, इस तरह निकाल लिया, तो इसके अंदर तरबूज आ गया। और फिर
मस्त।